चढ़ाएगा नहीं चढ़ाएगा क्या हो इसको। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन फॉरेस्ट के अंदर और मेरे पास है खजाना। हमारे लिए खजाना है क्योंकि इसको प्राकृतिक खजाना बोलते हैं। आ जाइए हम यहाँ जंगल के अंदर रिलीज करेंगे इसको इस प्राकृतिक वातावरण के अंदर। तो फिलहाल हमने इसको यहाँ पर ढक के इसीलिए रखा है क्योंकि इसने कुछ शिकार किया हुआ था। हो सकता है कोई चूहा हो या गिलहरी हो या कोई मेंढक हो कुछ भी हो, ताकि अगर इसके साथ थोड़ी सी भी ज़्यादा हलचल हुई तो ये निकल देगा अंदर से उगल देगा और हम नहीं चाहते कि ये अपना जो शिकार किया हुआ खाना है ये वापस बाहर निकाले। इसीलिए हमारा तो मिशन ये है सुरक्षित फटाफट इसको रिलीज कर देंगे। अगले दो सांप तो हमने रिलीज कर दिए, एक था रिबन स्नेक और दूसरा था रेड स्नेक, बेबी रेड स्नेक थे। और एक है हमारे पास बहुत ही बिग साइज इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और दूसरा है स्मॉल साइज इंडियन कॉमन कोबरा। दोनों एक ही प्रजाति है। तो फटाफट के अंदाज में पौर सब पहले आप इसको रिलीज कर दो क्योंकि क्या है कि अभी वक्त है इसको जंगल के अंदर रिलीज करने का। ओके और हम कदाई नहीं चाहते कि ये इस प्राकृतिक वातावरण के अंदर अपना खाना है जो बाहर निकाल सके। ये भी एक स्मॉल साइज है, यहाँ पे जाओ आप आराम से। ये भी एक स्मॉल साइज है चढ़ाएगा नहीं चढ़ाएगा क्या हो इसको मतनी देना मकोड़ा चेटा हो इसको छाड़ दो अब जाओ। ये सारे को क्या है अब परेशान नहीं करना, परेशान नहीं करना। नीचे उड़ा नीचे तो दोस्तों इसको अब यही जंगल के अंदर रिलीज कर देंगे। मैं अर्जुन नागवंशी आपको फिर मिलेंगे एक नए ऐसे ही बेहतरीन रेस्क्यू में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अपना समय यही समाप्त होता है और आपको जाते जाते एक बात बता देते हैं कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि मैं और स्पेक्टिकल कोबरा सुरक्षित रहेंगे और आप भी अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। क्योंकि काफ़ी शानदार नज़ारा है ये एक कोबरा। हमारा एक और मिशन थोड़ा फेल हो गया। हमने सोचा था कि इस वो कोबरा अपना शिकार निकले नहीं और जैसे वो पेड़ पर चढ़ गया उस समय और जैसे ही बाहर आया तो उसने ऊपर से ही निकल दिया। तो ये एक थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई। बट हम चाहते थे कि वो निकले नहीं और हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसने वो क्यों निकलता है क्योंकि जैसे उसको खतरा महसूस होता है कि हमारे लिए कुछ खतरा हो सकता है और खतरे से अरे यार इसने एक और अपना शिकार भी निकल लिया। फिलहाल यहाँ से ऊपर बैठा हुआ था और हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इसने एक छुए को भी निकल लिया बाहर। ये देखिए वो कटिंग दिया वो